होस्ट डॉक्टर कामरान नाजरीन। इम्यूनिटी पासपोर्ट्स ये इसके हवाले से इंटरनेशनल सोशल मीडियम्स हैं उस पर बात चल रही है। अब ये इम्यूनिटी पासपोर्ट्स हैं क्या, इसके हवाले से नाज़रीन जब थोड़ी सी मैंने रिसर्च की ऑनलाइन सोशल मीडिया पे देखा तो इस हवाले से नाज़रीन हमारे पड़ोसी मुल्क का एक बहुत बड़ा अखबार, उन्होंने एक हेडलाइन, अभी उनकी एक हेडलाइन मौजूद है और वो लिखते हैं कि एक्सप्लेन आर इम्यूनिटी पासपोर्ट्स रिलीज सर्टिफिकेट्स द वे टू गो। फिर फर्दर लिखते हैं कि इम्यूनिटी पासपोर्ट्स एंड रिलीज सर्टिफिकेट्स आर बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द नेचुरल इम्यूनिटी अ पर्सन डेवलप टू एनी इन्फेक्शन विल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग द डिजीज अगेन। नाज़रीन ये सूरत हाल है कि इम्यूनिटी पासपोर्ट्स जो हैं उसके हवाले से बातें शुरू हो गई हैं। और ये इम्यूनिटी पासपोर्ट क्या है, ये किस आइडिया पे, ये जो बहुत बड़ा अखबार है इंडियन एक्सप्रेस जो वो उनकी ये हेडलाइन है जो मैंने आपको सुनाई है, उनका कहना कि ये इम्यूनिटी पासपोर्ट्स और ये रिलीज सर्टिफिकेट्स जो हैं ये इस उस आइडिया पर मबनी है कि नेचुरल जो इम्यूनिटी एक पर्सन डेवलप करता है और फिर उसको वो दोबारा वो इन्फेक्शन ना हो, इससे बचने के हवाले से ये एक पासपोर्ट की जो है वो इजरा की बात जो है वो हो रही है। लेकिन इस पे नाज़रीन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसकी शदीद किस्म की रिजर्वेशन आई है, ये यही अखबार रिपोर्ट कर रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने वार्न किया है कि इम्यूनिटी पासपोर्ट और इस किस्म के सर्टिफिकेट जो हैं वो किसी किस्म का जो है वो एक सर्टिफिकेट नहीं हो सकते, बिकॉज ऐसी कोई एविडेंस अभी तक मौजूद नहीं है कि एक बार आपको कोविड-19 यानी कोरोना वायरस 19 हो जाए और फिर दोबारा आपको ना हो। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये सख्ती से इसको कंडेम किया है कि इम्यूनिटी पासपोर्ट्स की जो है सूरत हाल वो मुमकिन नहीं है। ये अखबार लिखता है देयर इज करंटली नो एविडेंस, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से ये एक स्टेटमेंट जो है वो शेयर कर रहा है यही अखबार। देयर इज करंटली नो एविडेंस दैट पीपल हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 एंड हैव एंटीबॉडीज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ सेकेंड इन्फेक्शन द ग्लोबल बॉडी सेड। जी नाज़रीन ये सूरत हाल है और नाज़रीन यही अखबार लिख रहा है कि यूनाइटेड किंगडम, इटली और जर्मनी उन्होंने इस किस्म की सर्टिफिकेट्स जो है इस किस्म के पासपोर्ट्स को इशू करने के बारे में कंसिडरेशन शुरू कर ली हैं, बिकॉज वो उनका कहना है कि रिस्क फ्री सर्टिफिकेट जो है ये इनेबल करेंगे लोगों को कि वो फ्री ट्रैवल कर सकें, रिटर्न कर सकें अपने बेस टाउन्स पे और उनको पता हो कि उनको किसी किस्म की जो है वो इन्फेक्शन जो है वो नहीं है। तो ये इस हवाले से भी खबरें हैं नाज़रीन। इसी हवाले से दूसरा एक बहुत बड़ा अखबार जो एक नामी गिरामी अखबार है वो क्या कहता है, मैं उसके हवाले से आपको बताता हूँ। और नाज़रीन ये एक और बहुत एक बहुत बड़ा बरतानवी अखबार जो डेली शाया होता है उसकी भी ऐसी ही एक खबर सामने आई है नाज़रीन, और उसकी हेडलाइन मैं आपसे शेयर करता हूँ। द गार्डियन की ये हेडलाइन है, उनका कहना है कि WHO वार्न्स अगेंस्ट कोरोना वायरस इम्यूनिटी पासपोर्ट्स, नो एविडेंस फ्रॉम अ कोविड-19 पेशेंट प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ सेकेंड इन्फेक्शन सेज द बॉडी। नाज़रीन आप सोचें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रिक्टली वार्न किया है कोरोना वायरस इम्यूनिटी पासपोर्ट्स के हवाले से और उनका ये कहना है कि इस हवाले से कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि कोरोना वायरस 19 के पेशेंट में ये दोबारा जो है इन्फेक्शन नहीं हो सकता। नाज़रीन इसी अखबार ने द गार्डियन ने फर्दर ये कहा है कि
The World Health Organization has warned against issuing immunity passports to people who have recovered from coronavirus 19, as there is no evidence that they will be protected from a second infection. जी हाँ नाज़रीन, आपको मैं बता चुका हूँ कि कोरोना वायरस इम्यूनिटी पासपोर्ट के इशुएंस के अगेंस्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रिक्टली वॉर्न किया है कि इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि कोरोना वायरस जिस पेशेंट को एक बार हो चुका हो उसको दोबारा नहीं हो, इसलिए कोरोना इम्यूनिटी पासपोर्ट्स के इश्यूएंस के हवाले से बिल्कुल इस किस्म की कोई कंसिडरेशन जो है वो काबिले कबूल नहीं है। नाज़रीन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रिक्टली जो है इस हवाले से वार्न कर दिया है। और नाज़रीन, आइए आपको अब एक और बहुत बड़ा मुस्तनद सहाफती इदारा वो क्या कह रहा है इस हवाले से बताता हूँ। बीबीसी न्यूज जो है वो उन्होंने हेडलाइन जो है वो लगाई है, उनका कहना है कि कोरोना वायरस इम्यूनिटी पासपोर्ट्स कुड इंक्रीज वायरस स्प्रेड। जी हाँ नाज़रीन, उन्होंने ये 25 अप्रैल 2020 को ये हेडलाइन लगी थी। उन्होंने कहा है कि इम्यूनिटी पासपोर्ट्स, कोरोना इम्यूनिटी पासपोर्ट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं कोरोना वायरस स्प्रेड को। जी हाँ नाज़रीन, और उन्होंने फर्दर कहा है कि गवर्नमेंट शुड नॉट issue so-called immunity passports or risk-free certificate as a way of easing lockdown, the World Health Organization says. Nazreen, government ko unhone kaha hai ki ye so-called immunity passport ya risk-free certificate jo hai ye is kisam ki issuance jo hai wo ye bilkul qabil-e-qabool nahi hai. Unhone Nazreen, is akhbar ne further report kiya hai ki it is said that there was no evidence that the people who had developed antibodies after recovering from the virus were protected against a second infection. Nazreen, ye main bata chuka hu ki is kisam ki World Health Organization ne bataya hai ki koi evidence nahi hai ki kisi ko ye infection ho aur usko ye dobara na ho, is kisam ka hamare paas koi evidence maujood nahi hai. Aur Nazreen, yahi akhbar report kar raha hai ki such a move could actually increase virus transmission. जी हाँ नाज़रीन, इस किस्म की कोई सूरत हाल, कोई recommendation जो है वो virus transmission को मजीद बढ़ा सकती है, ये कहा है नाज़रीन World Health Organization ने। नाज़रीन, ये थी वो मुस्तनद खबरें जो immunity पासपोर्ट के हवाले से सोशल मीडिया पे, हमारे यूट्यूब पर फैलाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी पासपोर्ट की जो है वो सूरत हाल, उस पर कंसिडरेशन शुरू हो गई है और इसके हवाले से बजट का इजरा भी हो चुका है और ये सारा कुछ इंटरनेशनल। लेकिन नाज़रीन, इम्यूनिटी पासपोर्ट के हवाले से मुस्तनद खबर क्या है वो मैंने आपको बता दी, बीबीसी की रिपोर्ट आपसे शेयर की, हेडलाइन आपसे शेयर की, और उसके अलावा मैंने दी इंडियन एक्सप्रेस की खबर आपके साथ शेयर की, उसके अलावा नाज़रीन मैंने आपके साथ द गार्डियन उसकी हेडलाइन आपके साथ शेयर की। न्यूज़ व्यूज विद कामरान की नाज़रीन का विश है कि वो आपको मुस्तनद वो खबरें जो कि दुनिया के नामी गिरामी जो सहाफती इदारे हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं वो उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करें, ना कि मनगढ़ंत किस्म की जो है वो र्यूमर को फैलाने की सूरत हाल की जाए। नाज़रीन, खबर आपको कैसी लगी, इम्यूनिटी पासपोर्ट के हवाले से ये मुस्तनद इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी, राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। न्यूज़ व्यूज विद कामरान साथ लिखकर अपने यूट्यूब सर्च बार में सर्च जरूर कीजिएगा और यकीनन आपसे दरखास्त होगी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको खबर अच्छी लग रही है तो लाइक तो यकीनन बनता है नाज़रीन। इसके साथ ही इजाज़त चाहूंगा नाज़रीन, अल्लाह नगहबान।